देहरादून में मैक्स हेल्थ केयर द्वारा ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भारत में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मैक्स हेल्थ केयर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ तिवारी ने कहा कि इस तरह के कैंसर लाइफ स्टाइल चेंज होने से बड़े हैं। लड़कियों में अल्कोहल, धूम्रपान और उम्र से पहले उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंसर का इलाज संभव है और फर्स्ट स्टेज में अगर पता चल जाए तो इसका बहुत जल्द ही कंट्रोल में इसको लाया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर अमित सकलानी भी मौजूद रहे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू अ गुड क्योर। ठीक है, जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास सिम्टम को लेके आएगा, सिम्टम को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि किस सिम्टम पे पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है। उसमें से है ब्रेस्ट में गांठ होना, किसी तरह गांठ होना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, बाजू में कोई गांठ होना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ जो होती है बाजू में जाके फैलती है, या ब्रेस्ट में लाल हो जाना, लालपना, ऑरेंज पील जो होता है, ऑरेंज की स्किन होती है उसकी तरह से स्किन हो जाना, या कोई डिम्पलिंग होना या निप्पल का रिट्रैक्शन होना, ये जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं अर्ली सिम्टम, जिससे हम पेशेंट को आके तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तभी जाके हमें मालूम चल पाएगा कि है कि नहीं है। उसके बाद ही उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेशेंट को भय नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है डर मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, तभी जाके इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, सर्जरी है, इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं इसको ब्रेस्ट कैंसर को।